कक्षा 1 विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग चित्र देखकर कहानी की कल्पना करेंगे। चित्रों के आधार पर ही मैं कहानी बताऊंगी। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक कहानी सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, नीचे दिया गया है चित्र, 3 चित्र दिए गए हैं। इसमें तुम देख सकते हो कि गर्मी का दिन है। तीनों चित्रों में ही सूरज को दिखाया गया है और उसमें सूरज की तेज गर्मी को दिखाया गया है। पहला चित्र में देखो, एक कौवा है और वह घड़े पर बैठा है। इससे तुमको पता चलता है कि वह प्यासा है। दूसरे चित्र में देखो कि वह देख रहा है नीचे और पानी बहुत कम है, इसीलिए वह उपाय सोचकर कंकड़ जमा कर रहा है और उस कंकड़ को वह घड़े में डालेगा। और तीसरे चित्र में देख रहे हो कि उसने कंकड़ को घड़े में डाल दिया है और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया है। तो तुम्हें पता चलता है कि कौवा कैसा था? बुद्धिमान। तो बच्चों, इस चित्र के आधार पर ही कहानी हमें बनाना है और नीचे के चित्रों को देखकर उसमें दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करना है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि बॉक्स बना हुआ है और उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें कहानी बनानी है। एक कौवा प्यासा था, उसने एक घड़े में पानी देखा। पानी कम था, उसे एक उपाय सूझा। वह कंकड़ ला लाकर घड़े में डाला, पानी ऊपर आ गया। बुद्धिमान कौवा पानी पीकर उड़ गया। इस प्रकार से हमें सोच समझकर कहानी बनानी होगी। पुनः मैं इस चित्र को देखकर कहानी सुना रही हूँ। एक कौवा प्यासा था। कैसे तुमको पता चल रहा है कि वह पानी पीने के लिए ही घड़े को देखता है और वह घड़े के पास आता है और वह घड़ा पर बैठा हुआ। उसने एक घड़े में पानी देखा, हुआ घड़ा में घड़ा देख लिया, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। तब वह सोचने लगा कि मैं कैसे पानी पी सकूं। उसे एक उपाय सोचा। तब उसने सोचा और अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह कंकड़ ला लाकर घड़े में डालना शुरू किया। पानी ऊपर आया। तब क्या हुआ? तब पानी ऊपर आ गया।
पानी के ऊपर आते ही वह बुद्धिमान कौवा पानी पीकर उड़ गया। पुनः हम लोग जो कहानी दिया गया है और जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, उसे हम बुक्स में जो दिए गए शब्द हैं, सही शब्द चुनकर उसे भरेंगे और कहानी ये। एक कौवा प्यासा था, उसने एक घड़े में पानी देखा, पानी कम था, उसे एक उपाय सूझा, वह कंकड़ ला ला कर घड़े में डाला, पानी ऊपर आ गया, बुद्धिमान कौवा पानी पीकर उड़ गया। इस प्रकार बच्चों, हमने बुक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी की। तुम इसी प्रकार की कहानी का अभ्यास करोगे। दूसरी कहानी भी मैं इसी प्रकार बताऊंगी दूसरे दिन। थैंक यू चिल्ड्रन।